ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था अबाउट ऑटोमेशन ऑन ओपन सोर्स, और उसमें हमने थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन थ्योरेटिकली वे में किया था कि क्या ऑटोमेशन होता है और क्या क्या रोल्स होते हैं इन टर्म ऑफ ऑटोमेशन। और जैसे सब्जेक्ट का नाम है ऑटोमेशन इन ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे आप ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखा बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इन टर्म कि आपको ऐसा कोई कोड डिप्लॉयमेंट करना है जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, जिसमें हमने टेराफॉर्म, पपेट, सैप, एंसिबल ऐसे मॉड्यूल्स या टेक्नोलॉजीज को हमने जस्ट बैकग्राउंड जस्ट मैंने अपडेट दिया था कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है ऑटोमेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में। और हमने थोड़ा एंसिबल के बारे में भी देखा था कि क्या क्या एंसिबल कर सकता है, एंसिबल का आर्किटेक्चर क्या होता है, होस्ट नोड होता है, कंट्रोल नोड होता है, ये जो इंजन है उसकी इन्वेंटरी, मॉड्यूल्स, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स है और हम उसको कौन से मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं वो हमने भी देखा था। फिर उसके यूज़ केसेस देखे थे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, डिप्लॉयमेंट करना है, प्रोविजनिंग करना है, सी आई सी डी पाइपलाइन है, तो ये उसके यूज़ केसेस से क्या क्या कर सकते हो इन टर्म ऑफ एंसिबल मैनेजमेंट। तो आज हम सिंपल दो टास्क करेंगे, एक तो एंसिबल इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दो मशीन क्रिएट करेंगे, एक एंसिबल नोड होगा या उसको बोल सकते हैं एंसिबल कंट्रोलर, जिस मशीन के अंदर हम एंसिबल सेटअप करेंगे, और दूसरा मशीन एज ए क्लाइंट वहाँ पे हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे पहले मैं अमेज़ॉन में लॉगिन करता हूँ एंड दो मशीन क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले दो मशीन बनाते हैं। उबंटू एज ए बेस इमेज ले लेता हूँ मैं।
पे तीन मशीन बनाते हैं अपने, क्रिएट न्यू की पेयर, तो मैंने यहाँ पे तीन वर्चुअल मशीन मैंने तीन इंस्टेंस बनाया है और तीनों में यूज़ किए हुए Ubuntu। एक को हम नाम दे देते हैं Ansible Node। अभी Ansible Node वो मशीन को बोल सकते हैं जिसमें Ansible सेटअप है और जिसमें आपकी जो भी आप ऑटोमेशन सेटअप करोगे, जिसको हम टेक्निकल कीवर्ड में बोलेंगे प्लेबुक। प्लेबुक में सेट ऑफ रूल्स, सेटअप और सेटअप इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या सेटअप, क्या आपको जो भी ऑटोमेशन करना है आप वो चीज़ लिखोगे इन टर्म ऑफ यामल फाइल आपके प्लेबुक के अंदर, ठीक है। तो उस नोड को हम बोलेंगे Ansible नोड, और ये दोनों को मैं नाम देता हूँ क्लाइंट वन क्लाइंट टू। सर यानी वो Ansible नोड वो सेंट्रल सर्वर जैसा होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा YAML फाइल्स को, वैसा है? यस, YAML फाइल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट YAML फाइल के अंदर जो जो लिखा है वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। ओके, लाइकवाइज कि भी लिखा है कि भी NGINX वेब सर्वर मल्टीपल सर्वर में इंस्टॉल हो तो वो YAML में लिखा है तो वो चेक करेगा कि सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर, जो वेब सर्वर या जो भी होस्ट है जो प्लेबुक में लिखा है वो एग्जिस्ट करते, मतलब सारा वैलिडेशन करेगा और फिर वहां से ही वो एग्जीक्यूट करेगा। तो सर इसका जो ओएस है वो आपने लिनक्स ही लिया है, क्या लिया है? ओएस मैंने Ubuntu ओएस लिया है। आप Ansible कोई भी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज, लिनक्स, इवन रेड हैट, मैक, कोई भी। और ये इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं है, एकदम एक सिंगल कमांड से ही पूरा सेटअप हो जाता है। इवन तो आप अपने लैपटॉप को ही Ansible नोड कंसीडर करके उसको सेटअप कर सकते हो, VS कोड आप अपने लैपटॉप में ही सेटअप करके डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आप कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं जब तक आपका प्रोसेस चलता रहेगा आपका लैपटॉप या पर्सनल डेस्कटॉप इन बींग यूज आएगा तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेट इंस्टेंस होता है जो कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करें। कल उठ के लेट से आपका लैपटॉप में OS क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप अपना जो भी प्लेबुक है वो फिर से आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं इसको IP लेके पहले हम सेटअप करते हैं Ansible को। Ubuntu @ipi ठीक है। तो ये मेरा मशीन फ्रेश है, इसमें मैंने अभी तक कुछ सेटअप नहीं किया। मैं पहले APT अपडेट कर देता हूँ, जो भी पैकेजेस होंगे वो अपडेटेड रहेंगे। ये मैं नोट्स आज एट एंड ऑफ द डे आपको जो शेयर कर दूंगा। अभी थोड़ा उस हिसाब से जो जो कमांड्स है, जो जो हम इन्वेंटरीज यूज़ करने वाले हैं, जो जो एग्जांपल वे में यूज़ करने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके इजी के लिए कि भाई ये चीज़ें क्या क्या करेगा और ये YAML फाइल कैसे कैसे वो काम करेगा। तो ये पूरा जो भी हमारा जितना भी सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स चलेंगे उसमें मैं यहाँ पर ऐड करता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंस्टॉल करनी है, तो सबसे पहले जैसे डाउनलोड विंडोज़ में करना पड़ता है वैसे यहाँ पे आपको रिपोजिटरी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो कि है add रिपोजिटरी PPA, उस रिपोजिटरी के लिए टैग है और Ansible ये वाला मैं कॉपी करता हूँ और यह कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। आप अगर
सेंटोएस पे इंस्टॉल करते हो तो आपको वहां पे यम अपडेट करना पड़ेगा या उस पर्टिकुलर एनसीबल की रिपोजिटरी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ उबंटू, इसलिए मैं ये कमांड से उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगी उसको वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा फॉर एनसीबल। तो ये मेरी रिपोजिटरी ऐड हो गई। अभी फिर से मैं एपीटी अपडेट कर देता हूँ तो वो जो रिपोजिटरी है वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी। और सिंपल यहाँ पे मैं कमांड मार देता हूँ एपीटी इंस्टॉल एनसीबल वाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन है, द SSH पास, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी है SSH पास। कई बार एक नोन बग है कि कई बार अगर SSH पास इंस्टॉल नहीं होता तो आप विद इन, आप जब प्लेबुक रन करते हो तो आपको SSH पास की एरर आती है। अगर कोई OS लेवल पे या जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हो उस OS में ये बग है तो आपको मैन्युअली SSH पास इंस्टॉल करना पड़ेगा। जनरली उबंटू 7 या रेड हैट OS 6 या 7 में ये चीज़ें फेस होती है, इवन कुछ 8 वर्जन में भी आता है, RHEL 8 में। तो सिंपल ये आपको पैकेज इंस्टॉल करना है SSH पास। बट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम यहाँ पे भी इंस्टॉल कर देते, तो अगर SSH पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कई बार जब सेटअप करना बैठते हो तब आप लाइव सिनेरियोस में या ऐसे वॉइस लेवल पे कंपेटेबिलिटी में कई बार ये इश्यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है एनसीबल के फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर को। तो बाय डिफॉल्ट इसका लोकेशन जो होता है ETC के अंदर एनसीबल, आप देखोगे तो यहाँ पे तीन फाइल दिख रही है, एक है ansible.cfg, दूसरा है होस्टेस फाइल और तीसरा है रोल्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी एनसीबल फोल्डर के अंदर। अभी तीनों का काम क्या रहता है, तो CFG मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो एनसीबल की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी क्या कैसे काम होगा, कितने होस्ट को वो डिनोट करेगा, कौन से सिस्टम्स को अप्लाई करेगा, क्या चीज़ें, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ansible.cfg में होगी। दूसरी होती है होस्टेस फाइल, उस मशीन जिस जिस मशीन्स पे आपको अप्लाई करवाना है प्लेबुक उनकी एंट्री आपको होस्ट फाइल में एंट्री करनी पड़ सकती है। और तीसरे होते हैं रोल्स, रोल्स के बारे में थोड़ा एडवांस में नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर देखेंगे। इतना समझ लो कि मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करना है और विथ रोल बना के मैन्युअली टास्क नहीं करना है, विथ ऑटोमेटेड पूरा जैसे लैम्प सेटअप करना है लिनक्स अपाचे माई सिक्वल PHP, तो वो एक ही फोल्डर में एक ही स्क्रिप्ट से इंस्टॉल करना है, तो वो उसके लिए हम रोल्स इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ansible.cfg फाइल दिखाता हूँ आपको। सर रोज का ऑफिस बताना एक बार। रोल्स अभी इतना समझ पर्टिकुलरली अगर बड़ा आपको कस्टमाइजेशन करना है ऑटोमेशन, फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल मशीन्स में 4 से 5 सर्विसेज डिप्लॉय करने हैं उसके पैरामीटर्स के साथ, तो डिफॉल्ट एनसीबल की प्लेबुक लिखने जाओगे तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उस चीज को छोटी करने के लिए, मतलब उस टास्क को कम से कम एफर्ट्स में कंप्लीट कर सको, उसके रीजन से रोल्स एक
एट्रीब्यूट दिया हुआ है जो हम रोल्स को डिटर्मिनेट करके उन रोल्स में जो जो फोल्डर्स होंगे उसमें सिर्फ हमें फाइल को एडिट करना है। इन शॉर्ट समझ लो कि बड़ा टास्क को अगर हमें छोटा करना है ऑटोमेशन में तो उसके लिए रोल्स यूज होंगे। क्लियर? बट वो जब हम प्रैक्टिकली वे ओके सर, ज़्यादा आपको आइडिया आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे इसका एक सेपरेट पूरा चैप्टर है और ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम जो दो मशीन और इंस्टॉल किए हैं उन दोनों के प्राइवेट आईपी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही नेटवर्क में हैं। आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी जोन तीनों का एक ही है, तो प्राइवेट आईपी से भी मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों मशीन में जाके, ओके, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि लाइकवाइज ये मशीन है, ये मशीन को अगर ये दो मशीन से कनेक्ट करना है तो कैसे करेगा, वाया SSH यूजिंग पासवर्ड। ठीक है, बट हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जब भी मैंने ये कंसोल लिया SSH का तो मैंने क्या किया, पुट्टी से कनेक्ट करके SSH की कनेक्ट की। बट अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड भी करना है तो कर सकता हूँ, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है तो भी कर सकता हूँ। तो इनिशियल स्टेज पे मैं आपको जो बताऊंगा आपको वो पासवर्ड बेस बताऊंगा। क्यों? उसका रीज़न है कि कई कबार आपके प्रोजेक्ट में या आपकी रिक्वायरमेंट में ऐसा होता है कि पासवर्ड बेस आपको ऑथराइजेशन करना है SSH एनसीबल में, और कई बार होता है उसको की बेस करना। तो हम दोनों मेथड देखेंगे, बट फॉर इजी वे में हमें पहले पासवर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों मशीन को SSH ले लेता हूँ, उसमें रूट लॉगिन इनेबल करता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट उबंटू में डिसेबल होता है, और तीसरा रूट को पासवर्ड एक सेट करता हूँ, और चौथा SSH कॉन्फ़िगरेशन में बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डिसेबल होता है उसको मैं इनेबल करता हूँ। तो चार टास्क करूँगा दोनों मशीन में। कोई क्वेरी यहाँ पे? ओके, नो सर। तो मैं क्लाइंट वन ले लेता हूँ, उसका पब्लिक आईपी लेता हूँ, उसको SSH Ubuntu@ ये और डाउनलोड्स में न्यू की एक्सेप्ट sudo space su। पहले मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ रूट का, गया, पासवर्ड सेट हो गया। अभी SSHD, तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। आप देख सकते हो यहां पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, नो। तो मैं क्या करूंगा, यस। ठीक है, फिर ऊपर एक कमेंटेड चीज होती है, परमिट रूट लॉगिन। परमिट रूट लॉगिन, और यहां पे लिखा है प्रोहिबिट पासवर्ड। प्रोहिबिट पासवर्ड की जगह मैं लिखता हूं परमिट रूट लॉगिन और यस। तो आप दोनों पैरामीटर्स को वैलिडेट करो। सबसे पहले परमिट रूट लॉगिन, बाय डिफॉल्ट रूट लॉगिन डिसेबल्ड होता है रिमोट लॉगिन से उबंटू ओएस के अंदर। ये ओए ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, इसका आपको सेंटोएस में अलग उसका ऑप्शन मिल सकता है, उबंटू के अंदर अलग, मैक के अंदर अलग, फेडोरा के अंदर अलग। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटर्नल फीचर है। दूसरा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैंने यस रखा है, बाय डिफॉल्ट की बेस ऑथेंटिकेशन होता है तो पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन नो रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस रखा है।
और यहाँ पे सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएच, आपने कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई की तो उसको एसएसएच को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया और चेंज भी कर दिया, सर्विस भी स्टार्ट कर दी। अब मैं जाता हूँ क्लाइंट टू मशीन में, सेम प्रैक्टिस यहाँ से करता हूँ। सेम चीज यहाँ पे मैं करता हूँ विथ सेकंड फोर्थ ब्राउज, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे पासवर्ड सेट फॉर रूट यूजर। मैं यहाँ पे सेफ साइड दोनों रूट क्रेडेंशियल्स सेम ही रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं एसएसएच कॉन्फ़िग में चेंज करता हूँ। पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस। सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एसएसएच। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये मेरा होस्ट, मैं होस्ट नेम सेट कर देता हूँ, होस्ट नेम क्लाइंट टू। ठीक है, ये मशीन को होस्ट नेम क्लाइंट वन कर देता हूँ। सिर्फ होस्ट नेम इसलिए सेटअप किया कि मुझे आइडेंटिफाई रहे कौन सा मशीन है, होस्ट नेम और होस्ट नेम। ठीक है, और ये जो तीसरा हमारा है इसको मैं ये मेरा अनसिबल नोड है, अनसिबल नोड। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मशीन से इस मशीन को एसएसएच ट्राई करता हूँ यूजिंग रूट यूजर और ईएम यूजर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ एसएसएच रूट एट द रेट इस मशीन का क्लाइंट वन का पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक भी कर सकते हो प्राइवेट भी कर सकते हो, बट इन टर्म ऑफ आपको जल्दी डिप्लॉयमेंट करना है तो आप यूज करोगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी इसलिए कि आपको राउटिंग तुरंत हो गए, तो आप जब डिप्लॉयमेंट करते हो या आप एंसिबल से, तो प्राइवेट आईपी यूज करो इंस्टेड ऑफ पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट आईपी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा है 172.31.85.222, 172.31.85.222। यहाँ पे देखो यस का ऑप्शन आया, एंड देन पासवर्ड में देता हूँ PWSWRD2345। ये मैं SSH लॉग इन हो गया यहाँ पे, इसका होस्ट नेम सेट वैलिडेट कर, क्या है क्लाइंट वन। ठीक है, मैं एग्जिट होता हूँ, सेम चीज मैं क्लाइंट टू के लिए भी कर देता हूँ, 3182.165, यस, एंड पासवर्ड में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट नेम,
तो क्लाइंट टू हो गया, क्लियर। तो ये दो मशीन को मैंने SSH से कनेक्ट कर पा रहा हूँ यूजिंग पासवर्ड। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करता हूँ और ऑथराइजेशन में ये पासवर्ड डालता हूँ तो मैं लॉगिन हो पाऊँगा और उस पर काम कर पाऊँगा, क्लियर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि Ansible इज एजेंट लेस, तो मैंने यहाँ पे कोई क्लाइंट मशीन में एजेंट इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ SSH कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं होस्ट फाइल में। देखो बाय डिफॉल्ट आप यही होस्ट फाइल यूज कर सकते हो और अपनी खुद की एक इन्वेंट्री फाइल भी बना सकते हो, बट उस इन्वेंट्री फाइल में एवरी टाइम आपको वो जब आप जब रन करोगे कमांड तब आपको वो फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी डिफॉल्ट। कि लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ इन्वेंट्री और इसमें होस्ट फाइल एंट्री करता हूँ जो जो सर्वर को मुझे एंट्री करनी है, तो एवरी टाइम जब मैं कमांड रन करूँगा तब ये फाइल मुझे यूज़ करनी मिलेगी। तो वो हम कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं, अभी हम डिफॉल्ट यूज़ करते हैं, डिफॉल्ट होस्ट फाइल जो है वही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं फाइल के अंदर जाता हूँ होस्टेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये सारी फाइल्स को पूरी कमेंटेड है कि कहीं पे भी कुछ एंट्री है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक क्लाइंट वन के लिए, दूसरे क्लाइंट टू के लिए। अभी हम एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री के लिए हम यूज करेंगे ये सिनेरियो। इंसर्ट करके या पहले एक काम करते हैं, नोट पैड में ही दोनों की एंट्री बना दे, सॉरी। सबसे पहले आपको आपका नाम, तो मैं यहां पे देता हूं क्लाइंट वन, आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपके सर्वर का मशीन का नेम है, या कुछ भी दे सकते हो, आपको ABC XYZ कुछ भी होस्ट नेम, ऐसा नहीं कि होस्ट नेम ही सेट करो, कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको नेम आइडेंटिफिकेशन हो उस हिसाब से उसका एक एलियास बनेगा, इसको बोलेंगे हम एलियास। Ansible होस्ट उसका आप IP एड्रेस क्या रहेगा, तो कि भाई जो प्राइवेट IP है वो लेंगे हम, ये है क्लाइंट टू मशीन, ये है क्लाइंट वन मशीन, तो IP स्पेस ADDR, तो ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, Ansible_SSH_password, तो पासवर्ड मेरा यही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे 4-5 ऐड किया हुआ है। पासवर्ड जो भी आप, मैंने पहले भी बोला कि आप दो मेथड से ऑथोराइज करवा सकते हो, पासवर्ड और की बेस। इनिशियली हम पासवर्ड से करेंगे और सेफ साइड हम उसको की बेस भी ऑथोराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। Ansible कनेक्शन कैसे होगा SSH, क्योंकि हम यहाँ पे लिनक्स यूज कर रहे हैं। Ansible पोर्ट SSH, आपका पोर्ट कौन सा रहेगा 22, अगर आपने कस्टम किया है पोर्ट नंबर तो यहाँ पे कस्टम पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, 2255 या 2255, वॉट एवर कोई भी पोर्ट नंबर। और यूजर आपका रहेगा रूट, हम इनिशियली रूट यूजर करेंगे और ऐसे वन बाय वन एक प्रैक्टिकल ऐसे आएगा, जैसे बिकम यूजर करके कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमें यूजर दूसरा सेटअप करना है, लाइक यूजर 1, 2, और उस मशीन से आपको कुछ टास्क बन इंफर्ट करना है, तो वो यूजर के डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि रूट यूजर है। ये एंट्री में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये सिंपल ही है, ये मैं एंट्री करता हूँ मेरे होस्ट फाइल में, यहाँ पे लास्ट में एंट्री करता हूँ, ठीक है। क्लाइंट Ansible होस्ट, क्लाइंट वन नाम दिया है एलियास का, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वैलिडेट करता हूँ कि भाई मुझे कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो Ansible के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स होते हैं,
उसमें एक मॉड्यूल है पिंग। जैसे हमें कनेक्शन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, पिंग चेक करते हैं कि भाई कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पे होता है पिंग मॉड्यूल, तो उसके लिए कमांड हाइफन एम पिंग, और मैंने नाम क्या दिया था एलियास का, क्लाइंट वन। तो आप देख सकते हो क्लाइंट वन सक्सेस, एंसिबल फैक्ट्स डिस्कवर्ड लेके आया है, इंटरप्रेटर कौन से बिन फाइल से, पाइथन। मैंने बोला था कि ये एंसिबल इंस्टॉल होता है उसके साथ बहुत सारे उसके बैकएंड के जो प्लगइन्स है वो भी इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, विन आर एम हो गया, एसएसएच पास हो गया, बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो डिस्कवर करके लेके आया है वो है पाइथन के मेथड से। अभी मैंने क्लाइंट टू की एंट्री तो की नहीं है, तो लेट्स सी कि क्लाइंट टू आउटपुट देता है कि नहीं देता। वार्निंग, कुड नॉट मैच सप्लाइड होस्ट पैटर्न इग्नोरिंग क्लाइंट टू, नो होस्ट मैच, नथिंग टू डू। ठीक है, अभी यहां पे मैं क्या करता हूं, होस्ट फाइल में यहां पे मैं क्लाइंट टू देता हूं, आईपी में चेंज कर देता हूं क्लाइंट टू का, उसका मैं पासवर्ड में थोड़ा गलत करता हूं जानबूझ के। ठीक है, पोर्ट 22 रूट। नाउ मैं करता हूं क्लाइंट टू, क्या आया, क्लाइंट टू अनरीचेबल। मैंने गलती जानबूझ के की, बट इनके हिसाब से गलती होती है पासवर्ड में, तो आपको क्या आएगा, अनरीचेबल या इनवैलिड इनकरेक्ट पासवर्ड या परमिशन डिनाइड, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं 4 5। ठीक है, ठीक है, तो हम पिंग कर पा रहे क्लाइंट वन को भी और क्लाइंट टू को भी। अभी लेट से मुझे दोनों को साथ में करना है, या जितने भी होस्ट है सबको साथ में करना है, तो यहां पे होता है ऑल क्लियर। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर और कोई? नो सर। ओके, मयंक, राहिल, कौन कौन? नो सर। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी होस्ट फाइल, और ये एकदम बेसिक लेवल की होस्ट फाइल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे एडवांस में वन बाय वन देखेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट कोर पार्ट रहेगा आपका। क्लियर, नाउ हम एक सिंपल प्लेबुक वैलिडेट करते हैं, जिसमें हम सिंपल एक फाइल बनाते हैं, ब्लैंक फाइल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अभी हम बनाएंगे प्लेबुक। प्लेबुक का क्या है, तो प्लेबुक जैसे एग्जाम पूछ सकते हो व्हाट इज प्लेबुक, तो प्लेबुक इज ऑर्केस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन रूल बुक टू रन ऑन टारगेट मशीन। ये ऑफिशियली इसकी एक डेफिनेशन है, आप अलग अलग वैलिडेट करोगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, बट इसका ये जो मीनिंग है परफेक्ट है कि भाई एक आपको रूल बुक है, रूल्स जो बनाए हैं उस रूल बुक के अंदर आपने जो जो लिखा है वो ऑर्केस्ट्रेशन वे में आपके जो भी टारगेटेड मशीन होंगे, जो भी क्लाइंट मशीन होगी उसमें रन होंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल एक प्लेबुक बनाता हूँ, और एक चीज ये बनता है यामल फाइल में, तो यामल फाइल में स्पेस आप या स्पेलिंग ये बहुत क्रिटिकल चीज रहती है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी आप अपने
यामल बनाओ या यामल पे काम करो, मैं सजेस्ट करूंगा आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लो और वीएस कोड के अंदर ही आप उसको सेटअप करो, तो आपको कुछ यामल फाइल्स की जो गलती होगी वो आपको बता देगा। ठीक है, ये वीएस कोड फ्री ऑफ कॉस्ट ही है और वो डाउनलोड करोगे तो आप इंस्टॉल भी कर पाओगे और सिंपल एडिटर है। ठीक है, तो जब भी आप एंसिबल पे या यामल फाइल पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंसिबल, क्योंकि यामल फाइल ऐसी है कि जो मैक्सिमम ऑटोमेशन में आपको यामल मिलेगी, तो जब भी आप बनाओ तो उस पर्टिकुलरली यामल फाइल को आप वीएस कोड में ही बनाओ, तो कुछ गलती होगी तो भी आपको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल, ये मैंने, ये उसका प्लेबुक है, ये मैं कॉपी करता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ प्लेबुक का, प्लेबुक आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे ही रखो। ठीक है, मैं पहली फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल डॉट यामल, YAML। ठीक है, ये फाइल मैंने एक्सटेंशन बनाई, तो सबसे पहले आपको तीन डैश दिखेंगे। तो यामल फाइल जब भी स्टार्ट होती है तो वो स्टार्टिंग होती है विथ थ्री डैश। फिर सबसे पहले होता है उसका होस्ट, होस्ट क्या है, तो हमारे होस्ट दो है, क्लाइंट वन एंड क्लाइंट टू, क्लाइंट वन क्लाइंट टू। ठीक है, या पहले हम सिर्फ क्लाइंट वन पे इंस्टॉल करते हैं, क्लाइंट टू को बाद में देखते हैं। सेकंड है टास्क, क्या करना है, तो टास्क का नाम, क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, कमांड होगा टच, और कहाँ पे होगा, तो /tmp test1। ये एकदम बिलो सिंपल प्लेबुक का एग्जांपल है, इसमें कहीं डाउट कोई क्वेश्चन, परमवीर कोई क्वेश्चन, मयंक, राहिल, देवद? नो सर, ठीक है, नो सर, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल फाइल और यामल फाइल एकदम अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट आपको कोडिंग अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये फाइल को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये फाइल को मैंने होस्ट डिफाइन किया है क्लाइंट वन, क्लाइंट वन एंट्री है हमारी होस्ट फाइल में, इसलिए वो रन होगी, अगर वहां पे एंट्री नहीं होगी तो वो अगेन आएगा अननोन होस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रन करता हूँ, एनसीबल हाइफन प्लेबुक और फाइल का नाम। ठीक है, सबसे पहले प्ले क्लाइंट टास्क टुगेदर क्लाइंट वन, वो ओके किया, चेंज क्रिएट ब्लैंक फाइल, चेंज आता है दैट मींस कुछ हुआ। ठीक है, क्लाइंट वन रिकैप, ओके फाइल, दो चेंज ओके हो गए और एक वैलिडेट हुआ। हम क्लाइंट वन में जाते हैं और उसमें पाथ पे जाते हैं /tmp, देख सकते हो टेस्ट वन नाम की फाइल बनी 3:13 पे, अभी टाइम है 3:14। ठीक है, सेम एनसीबल है फन प्लेबुक, क्लाइंट वन क्लाइंट टू ओके, दोनों कनेक्ट हो गए, चेंज चेंज चेंज। ठीक है, क्लाइंट टू में भी वैलिडेट कर देते, CD/tmp ls-lh, तो ये फाइल क्या हो गई, टेस्ट, क्लियर। जस्ट मोमेंट, बैटरी लो।
ठीक है। तो ये एकदम सिंपल वे में आपने सिर्फ और सिर्फ सर यहाँ पे एक डाउट है। यस बताओ। क्लाइंट हम में तो ऑलरेडी है ना, जो फाइल क्रिएट हुई है वो तो ओके ही आना चाहिए, तो चेंज क्यों आया? ओ उसके ऊपर आता हूँ। बाय डिफॉल्ट प्लेबुक के अंदर यामल में वो क्या होता है, जितनी बार आप फंक्शनलिटी को रन करोगे वो रन होगा, बट अगर आपको प्रेजेंट फाइल पाथ को वैलिडेट करवाना है तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है कि फाइल प्रेजेंट है तो रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस फंक्शंस पे हम आएंगे कि बाय डिफॉल्ट अभी हमने कोई फंक्शन यामल में नहीं डिफाइन किया है न्यू फाइल में, सिर्फ और सिर्फ फाइल बनाई है, वहाँ पे प्रेजेंट है तो रन नहीं होगा, ऐसा कोई हमने सिंटैक्स या वेरिएबल में डिफाइन नहीं किया है अभी, इसलिए यहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लाइंट वन में इसके पहले हमने जो रन किया तो क्लाइंट वन में तो बन गया बराबर, तो ओवरराइड एवरी टाइम। ये क्या है डंप, अभी ये जो प्ले बुक है ये इतना इंटेलिजेंस से नहीं बनाया है, ये सिर्फ एवरी टाइम ये टास्क करेगा, बड़े ही फाइल पड़ा है वहां पे क्रिएट करेगा, ओवरराइड करेगा। ओके ठीक है, वो आपकी बात सही है कि वहां पे ओके आना नहीं चाहिए, ओके आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे एनसीबल का डिफॉल्ट ऐसा है कि आप अगर फाइल में एडिट करते जाओगे तो वहाँ पे फाइल एडिट होती रहेगी, दिस इज फाइल नंबर वन, ऐसा मैंने लाइन ऐड किया तो जितनी बार मैं रन करूँगा उतनी बार वो फाइल नहीं बनती रहेगी, वहाँ पे लाइन ऐड होती रहेगी, वो वैलिडेट नहीं करेगा, उस वैलिडेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा, जो हम इन नेक्स्ट लेक्चर्स में वो भी वन बाय वन देखेंगे। ओके वो ऑप्शन है और वही यूज़ करते हैं रियल सिनारियोस में, कि वो पर्टिकुलरली जिसमें है वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो पर्टिकुलर वहीं से आपका जो एवरी टाइम वो लूप में नहीं जाना चाहिए, एवरी टाइम वो टास्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, नाउ थोड़े एक दो देखते हैं। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लैंक फाइल बनाने के लिए, जैसे मैंने मेरा टास्क दिया आपको ब्लैंक फाइल बनाने के लिए, तो ब्लैंक फाइल बनाने के लिए भी मल्टीपल वे है, जिसमें यहाँ पे हमने कमांड मॉड्यूल यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है फाइल मॉड्यूल। ठीक है, तो आप दोनों को देख सकते हो, इससे भी आप फाइल बना सकते हो और ये यामल फाइल से भी बना सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने कमांड यूज़ किया है और इसमें फाइल यूज़ किया है, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो टास्क। तो एनसीबल क्या क्या मॉड्यूल्स जनरल देता है, इस ये मैंने एक सिंपल जो लिस्ट दी है उससे बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, पिंग, कमांड, फाइल, यूजर, ग्रुप्स, आईपी टेबल, स्टोरेज, सर्विस, स्क्रिप्ट, डेटाबेस, प्रोस्पेक्टिव से भी आते हैं, मोंगोडीबी, MySQL, पोस्टग्रे, देन MSQL, क्लाउड के ऊपर आते हैं Azure, Amazon, DigitalOcean, Vaulter, कुछ प्राइवेट क्लाउड के लिए VMware। तो जो एनसीबल मॉड्यूल्स है वो हर एक कॉन्सेप्ट में अवेलेबल है और ये वास्ट वे में सेटअप है, तो आपको जनरली उसके ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। क्लियर। विंडोज के लिए विन कॉपी, MSI इंस्टॉलर, विन सर्विसेज एक्सेट्रा, बहुत सारे विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म भी है जो मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो, मॉड्यूल विंडोज मशीन्स को मैनेज करने के लिए। क्लियर, जहां तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? नहीं सर। सर खाली वो क्या बोलते हैं, इसको फाइल को रन करने के लिए आपने सीधा उसको बस एनसीबल करके उसको मेंशन कर दिया था ना, हाइफन प्लेबुक और फाइल का नाम। ओके ठीक है, एनसीबल हाइफन प्लेबुक फाइल का नाम। और एक चीज, अगर मैं हम इन्वेंट्री सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिफॉल्ट होस्ट फाइल में यूज नहीं करता, मैं कोई फाइल यूज करता हूँ,
तो उसके लिए यहाँ पे आई होता है और फाइल का नाम, जिसका हम प्रैक्टिकल सिनेरियो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो बस यहाँ तक रखते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं अटेंडेंस ले लूँ, थोड़े ज़्यादा ही लोग आए। आप कंटिन्यूसली आया करो तो थोड़ा हमें मतलब रेगुलर है, जो जो रेगुलर्स नहीं आते। पर अमीर फिर आपको वो मिल गई थी वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की? हाँ सर, उसमें इश्यू सिर्फ ये पड़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर डेट है जिसमें लाइक 11 की रिकॉर्डिंग होनी, मतलब 10 की रिकॉर्डिंग चाहिए थी लेकिन 11 की थी इंस्टेड, तो एक कोई रिकॉर्डिंग मिसिंग है वैसा है। देख लेता हूँ, कोई मुझे डेट या ऐसा कुछ वो डाल दो ना, तो मैं देख लेता हूँ कि शायद वो रिकॉर्डिंग अपलोड हुई नहीं है या ऐसा कुछ। ठीक है सर, डालता हूँ। एक मिनट, मैं अटेंडेंस जस्ट पहले लग देता हूँ, फिर आप जा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते कल, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय।